गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? भाई एग्जाम चाहे सीएसआईआर नेट 2019 के लिए हो या फिर गेट 2020 के लिए, इन एग्जाम की तैयारी के लिए आप भी आईफ्लाई के साथ जुड़ सकते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप कीजिए 9013902981 पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पर, फेसबुक, जहां आपका मन करे। चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा है तो कर लो घंटी के साथ। आईफ्लाई के बारे में और जानकारी पाने के लिए आप विजिट कर सकते हैं आईफ्लाई की वेबसाइट iflynetgate.com या ईमेल लिख सकते हैं saplingedutech@gmail.com। आर यू रेडी? भाई इस क्वेश्चन का अब कोई लॉजिक नहीं है, अब तो है बस एग्जाम के लास्ट मोमेंट की तैयारी। और ये तैयारी पढ़ाई को लेकर के नहीं है, पढ़ तो तुम चुके जितना भी पढ़ना था, अब है अपने दिमाग को कैसे मैनेज करना है, लास्ट के दो दिनों में या एग्जाम वाले दिन कैसे परफॉर्म करना है। गेम ऑफ थ्रोन में भी एक लाइन थी, जब तुम गेम ऑफ थ्रोन खेलते हो तो या तो तुम जीतते हो या तुम हारते हो, और हारने का मतलब वहां मौत थी। यहां डेथ तो नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना कि तुम्हारा एक साल दांव पे लगा हुआ है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अब तुम कैसा परफॉर्म करोगे और अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाओगे। अगर तुम हो सुपरमैन या फिर हो वंडर वुमन तो भाई तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है, तुम तो ऑलरेडी सब कुछ जानते हो। चाहो तो इस वीडियो को यहीं पर ऑफ करके कोई गाने वाने सुन सकते हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर हो तुम नॉर्मल इंसान और इस एग्जाम के लिए थे बड़े परेशान, तो भाई आगे कैरी ऑन करो। एग्जाम से पहले, एक दिन पहले, दो दिन पहले एक बार जान लो कि सेंटर कहां पर है, तो भाई मेंटली रेडी जाओगे, किस जगह जाना है, कैसे जाओगे, प्लान बना लो, अपना लोकेशन देख लो, अपना एडमिट कार्ड, फोटो और आईडी ये रेडी कर लो, और कोशिश करो कि सबको पहले ही एक बैग में रख लो, ताकि लास्ट मोमेंट पे कोई अपड़ तपड़ ना हो। एग्जाम की रात को अगर याद आया कि ओ तेरी प्रिंट आउट भी निकालना था एक, तो कहां जाओगे। ये सब काम एग्जाम से एक दिन पहले हो जाने चाहिए। जब आती है बात लास्ट नाइट की, तो एग्जाम से पहले की रात में अलग अलग लोगों के अलग अलग नजरिए हैं। मेरा तो मानना यह है कि भाई एग्जाम से पहली रात को शाम के टाइम 5-6 बजे तक पढ़ लो जितना पढ़ना है, उसके बाद बैठ के अपनी चेकलिस्ट बना लो कि तुम्हें एग्जाम सेंटर में क्या क्या चीजें ले जानी है, उन सब चीजों को इकट्ठा करो और इकट्ठा करके एक बैग में रख लो, वो बैग जो तुम कैरी करने वाले हो। रात भर जगने का तो कोई फायदा है नहीं और ना टेंशन करने का फायदा है। अब इस टाइम तुम फील गुड करो, जो होगा देखा जाएगा, तैयारी तो हमने कर लिया यार, अब डरने से कुछ नहीं होने वाला। अब अगर डरे, कुछ परेशान हुए, तो जितना भी कर रखा है ना वही भूल जाएंगे, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मन एक्साइटेड हो, हॉर्मोन्स के लेवल सॉलिड हो। तो भाई कुछ बढ़िया सी पिक्चर देख लो, आधे घंटे की, एक घंटे की, कोई गाने सुन लो, जो भी तुम्हें खुश करता हो, और फिर रात को सोने से पहले गर्म दूध पी करके सो जाओ, बढ़िया सी नींद लो यार, नींद बहुत जरूरी है। अगर तुम रात को बढ़िया सोए तो नेक्स्ट डे जब उठोगे तो तुम फ्रेश उठोगे और तुम्हारे माइंड की सारी सेल्स काम कर रही होंगी। एग्जाम में तुम्हारा माइंड कितना फ्रेश है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो पहली नजर में समझ में नहीं आते, थकावा माइंड तो समझ ही नहीं पाता, लेकिन जो फ्रेश माइंड होता है उसे कहीं ना कहीं से कोई हिंट मिल जाता है। दिमाग अगर चौकन्ना होगा, चौकन्ना जब ही होगा जब वो फ्रेश होगा, तो लुकी छुपी बातें दिख जाएंगी, ऑप्शनों में से भी कहीं ना कहीं रास्ते मिल जाएंगे हमें, और जब हम सोच समझ सकेंगे तो हम क्वेश्चनों को भी बढ़िया कर पाएंगे। सोने के बाद उठना भी तो जरूरी है। भाई तुमने प्लान तो बना लिया कितने बजे घर से निकलना है, तो जो भी तुमने अपना प्लान बना रखा है उसके अकॉर्डिंग अपना अलार्म सेट कर लो। ये चेक कर लो कि मोबाइल तुम्हारा म्यूट पर ना पड़ा हो, बैटरी चार्ज है या नहीं है, ताकि मालूम पड़ा बैटरी कहीं चली गई तो उसमें मोबाइल कहां से बजेगा। और कोशिश ये भी करो कि अलार्म दो सेट करो, एक उस टाइम का जो तुम्हें उठना है और एक उसके 15 मिनट बाद का। अगर किसी वजह से पहले वाले पर नहीं उठ पाए तो दूसरे वाले से उठ जाओगे। उठो, नहाओ धो, फ्रेश हो, बहुत ज्यादा नाश्ता मत करो। ज्यादा अगर तुम्हारा पेट भर गया तो तुम्हारा शरीर बोलेगा कि भाई पेट तो भरा हुआ, मेहनत मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए कोशिश करो कि बहुत ज्यादा हैवी नाश्ता ना करो, ऐसा भी ना जाओ कि पेट खाली करके जाओ, कैलोरीज भी तो चाहिए काम करने के लिए। तो बैलेंस करो चीजों को और टाइम से पहले ही सेंटर पहुंच जाओ, आधा घंटा पहले या फिर एक घंटा पहले, जहां भी तुम जा रहे हो उस हिसाब से। और ये पहले जाने का पर्पस क्या है? ताकि लास्ट मोमेंट पे तुम्हारा दिमाग अपड़ धपड़ ना कर रहा हो। एग्जाम सेंटर में जाकर के अपने माइंड को शांत करो, अपने आप से बात करो कि पहुंच गए, बस अब रूम के अंदर जाना है और एग्जाम को देना है, और कुछ पुराने फ्रेंड ढूंढ लेना। बट ये काम मत करना यार,
जब भी मुझे एग्जाम सेंटर पे पुराने फ्रेंड मिलते हैं तो वो कुछ बातें करते हैं, क्या हाल चाल है, तुम कहाँ थे, हम कहाँ थे, हमने क्या करा, तुमने क्या करा। भाई कोई ना कोई बात हमारे फ्रेंड ऐसी कर जाते हैं कि कंसंट्रेशन की ना वाट लग जाती है और तब एग्जाम भूल करके ना कुछ बातें दूसरी सोचना शुरू कर देते हैं। ये काम मत करना और ना ही अपने दोस्तों को ढूंढना कि वो दोस्त कहाँ है, कैसा है, क्या कपड़े पहन रखे हैं, ये सब चक्कर मत पड़ना। इस टाइम अपना पूरा दिमाग का फोकस केवल आने वाले एग्जाम के लिए होना चाहिए। तुम कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे तुम्हारा ध्यान भटक जाए। कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है और इसीलिए कोशिश करो कि तुम इनविजिबल बन जाओ। एग्जाम सेंटर में हो बट कोई ऐसा कोना पकड़ लो जहां कोई तुम्हें देख ना पाए। किसी से फोन पे बात मत करो। दिस टाइम केवल तुम हो और तुम्हारा एग्जाम और तुम्हारे विचार। केवल अपने मन में चल रहा है कि अब एग्जाम आने वाला है जो एक साल में एक बार आता है और आज इस एग्जाम की खैर नहीं है, इसी को तो हम लोग फोड़ने के लिए आए हुए हैं और फोड़ करेंगे। एग्जाम सेंटर में जाने के बाद हॉल में घुसो और देखो कि तुम्हारी बैठने की सीट कहाँ है। कंफर्टेबल हो जाओ उस एनवायरमेंट के साथ। एग्जामिनर कौन है, माहौल कैसा है, सीट कैसी है, मेज कैसी है, कंप्यूटर कैसा है, कीबोर्ड, माउस, एक बार सबको हाथ पैर चलाकर देख लो। एग्जाम के जब शुरू हो जाएगा उस टाइम में तुम ये जानना नहीं चाहोगे कि भाई ये गड़बड़ थी या वो गड़बड़ थी। एग्जाम शुरू होने से पहले ही चीजों के साथ एडजस्ट अगर हो गए तो एग्जाम में सिर्फ एग्जाम और तुम होंगे। जैसे टाइम शुरू हो सारा कंसंट्रेशन रूम से उठा करके अब तुम अपने लैपटॉप की या अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले आओ। अब केवल तुम और तुम्हारे कंप्यूटर की स्क्रीन है। आसपास कौन बैठा हुआ है, पीछे कौन बैठा हुआ है, आगे क्या हो रहा है, कुछ मत करो, कुछ मत सोचो। इसी टाइम बहुत सारे लोग तरह तरह की आवाजें भी निकाल रहे होंगे। जैसे कि होता है कि कोई तुम्हारे बगल में बैठा हुआ चिल्ला रहा हो कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे करना, वो कैसे करना है। इस तरह के डिस्ट्रक्शन से बचने की कोशिश करना। तुम्हारा पूरा कंसंट्रेशन केवल आज तुम्हारा यूटिलाइजेशन के लिए है और हमेशा जब भी कंसंट्रेशन उधर जाए तो सोचना ये 3 घंटे की कीमत के लिए तुमने 1 साल खर्च किया है। कोई भी आकर के तुमसे इन 3 घंटे में से कोई मिनट चुरा नहीं सकता। आज सारा इन्वेस्टमेंट केवल तुम्हारे फ्यूचर के लिए होना है, किसी और बात के लिए नहीं। कहीं और दिमाग बिल्कुल नहीं भटकाना। क्वेश्चन पेपर शुरू करने से पहले इंस्ट्रक्शन को ढंग से पढ़ लो। खासतौर से जो इंस्ट्रक्शन बोल्ड में दे रखी हूँ, कलर दे रखी हूँ, उनको तो ध्यान से देखना। नेगेटिव मार्किंग, क्वेश्चन कितने हैं, कैसे रंग का ऑप्शन आएगा जब मैंने आंसर सबमिट कर चुका होगा और कैसे रंग का आएगा जब मैंने नहीं किया होगा। ये सारी बातें देख करके इंस्ट्रक्शन पढ़ के पेपर को सॉल्व करना इमीडिएटली शुरू मत करना। सबसे पहले देख तो लो कि क्वेश्चन पेपर में है क्या क्या। 3 घंटे का पेपर है, घड़ी तुम्हारे साथ साइड में ऊपर चल रही है और यहीं पर बगल में एक कैलकुलेटर भी है जिसे तुम यूज कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए। घड़ी पर नजर रखो और नेक्स्ट 30 मिनट्स केवल इस काम के लिए है कि जिन पेपरों में से तुम्हें चॉइस बनानी है। देखो अगर तुम लाइफ साइंस के लिए जा रहे हो तो तुम्हारा जर्नल एप्टी और केमिस्ट्री तो सबको करना ही है, लेकिन बाकी बचे पेपर्स में से तुम्हें कोई से 2 पेपर उठाने हैं। तो इस टाइम जो बाकी बचे पेपर हैं उन पेपर को खोलो और चेक करने शुरू करो उसमें क्वेश्चन कैसे हैं। फटाफट यहाँ साइड में क्लिक करते जाओगे तो जो क्वेश्चन है सामने स्क्रीन पर आता जाएगा। बहुत जल्दी से उन्हें देख करके अंदाजा लगाओ कि तुम उन्हें कर पाओगे या नहीं कर पाओगे और इसके बेस पर डिसाइड करो कि कौन से पेपर हैं जो तुम सेलेक्ट करने वाले। जब भी तुम पेपर को सॉल्व करना शुरू करोगे तो यहाँ टिक जरूर लगा देना, तभी उसके जो क्वेश्चन होंगे उसके आंसरों को तुम सबमिट कर पाओगे। अब जब तुमने अपने क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए तो अब तुम क्वेश्चन को करना शुरू करोगे। पहले वो क्वेश्चन करोगे जिनमें वर्ड्स हैं, लाइनें हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेशन के लिए दिमाग लड़ाना पड़ता है, टाइम लगता है, कई बार उलझ भी जाते हैं तो तुम वो टाइम खर्च करना नहीं चाहते। अगर सपोज करो तुम्हारा काफी सारा टाइम कैलकुलेशन में निकल गया, एग्जाम में बचा 1 घंटा और तुम कह रहे हो अभी मेरे 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो तुम एक तरीके से प्रॉब्लम आ जाओगे, पैनिक करना शुरू कर दोगे। तो उससे अच्छा ये है कि अभी टाइम खर्च करना ही नहीं इनके ऊपर, केवल उन क्वेश्चनों को सिलेक्ट करो जिन क्वेश्चनों को तुम पढ़ते ही सॉल्व कर सकते हो। 2 बार पढ़ो क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले, हर वर्ड को ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, किसी भी वर्ड को मिस मत करो, चाहे वो दा हो चाहे वो ऑफ हो। नॉट को तो जरूर ध्यान दो। जब तुम्हारे आंसर एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं तो टिक करो, सेव एंड नेक्स्ट करो। तो जैसे ही तुम सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो हरे रंग का हो जाएगा। हरे रंग का मतलब है तुम्हारा काम बन गया, आंसर कर दिया तुमने इसका। पूरी शीट के ऊपर ध्यान रखो कि अभी भी कौन से क्वेश्चन ऐसे तुमने देखे नहीं है और कौन से क्वेश्चन ऐसे जो देख चुके हैं तुमने बट मार्क नहीं किया। किसी भी क्वेश्चन के ऊपर टाइम मत लगाओ, पढ़ो, सॉल्व होता है सॉल्व करो, नहीं होता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को क्लिक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होता तो नेक्स्ट को क्लिक करो, करते करते सारे क्वेश्चन को देख लो। जब सारे क्वेश्चन हो गए तो अब दोबारा वापस पहले वाले के पास आओ और फिर दोबारा उसे पढ़ो। कई बार क्वेश्चन पहली बार पढ़ने में समझ में नहीं आता,
और अगर उसी टाइम तुम उसको 8-10 बार पढ़ लोगे तब भी समझ में नहीं आएगा, छोड़ दो उसको उस टाइम, बाकी क्वेश्चन को करते जाओ और फिर वापस उसके पास आओ। जब तुम घूम फिर के वापस आते हो तो तुम्हारा दिमाग कहीं ना कहीं ट्यून अप हो चुका होता है और तब वो क्वेश्चन जो पहली बार में समझ में नहीं आया था अब समझ में आना शुरू हो जाएगा। जब तुम्हारे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाए ऐसे जिनमें सिर्फ लिखने वाली बातें थी, तब आओ कैलकुलेशन वाले सवाल के ऊपर। और कैलकुलेशन भाई दिमाग में मत करना, कागज पेन मिला हुआ है तो कागज का इस्तेमाल करना, कागज पर लिखो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर अवेलेबल है साइड में, अपने आप अपने हाथ से कैलकुलेशन करने के बजाय कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना चाहिए, गलती के चांस कम रहते हैं। अगर तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक लग रहा है तुम्हें जो नंबर के अकॉर्डिंग फिर बैठ रहा है तो उससे भरो और आगे बढ़ जाओ। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना, जिन क्वेश्चनों में तुम्हें मल्टीपल ऑप्शन में डाउट है कि भाई यहाँ गड़बड़ हो सकती है और यहाँ नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत सोच समझ के जवाब देना उसका। न्यूमेरिकल के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ ही भर के आ जाओगे, गलत हो गया तो जीरो मिल जाएगा। इसलिए न्यूमेरिकल में भी डबल चेक करके बनाओ, उसे लिखो, डबल चेक करो और तब अपने आंसर को फिट करो अगर तुम्हारा आंसर एक्यूरेट आ रहा है तो। क्वेश्चनों को जब तुम देखते हो और जब तुम पेपर को सारे को चेक कर लोगे तो भाई या तो तुम्हें सारे क्वेश्चन आते होंगे या बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे और तुम हो जाओगे खुशी से पागल। मन तो ऐसा करेगा कि जी भाई साहब मेज पे खड़े होकर सबको चिल्ला चिल्ला के बताओ जी पेपर मेरा तो बहुत सॉलिड है। ये काम मत करना यार, क्या लड्डू मिल जाएंगे तुम्हें उससे। अपने एक्साइटेशन को दबा के रखना क्योंकि एक्साइटेशन गलती कराता है। अगर तुम ओवर एक्साइट हुए तो क्वेश्चनों को अंडर एस्टिमेट करोगे और गलत ऑप्शनों को टिक करोगे। शांत हो जाओ, या फिर हो तो ये भी सकता है कि क्वेश्चन ना आए और तुम्हारा बैंड बच जाए, सिर फटने लगे, आंखों में से आंसू टपकने लगे, रोक लो, होल्ड कर लो। जब भी कभी ऐसा टाइम हो कि तुम्हारा माइंड बिल्कुल फंस जाए, ब्रेक ले लो, पानी पीने के लिए उठ जाओ और जाते हुए रास्ते में विचार करो क्या करने आए हो आज, ये 3 घंटे कितने इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन लोग हैं जो मेरे एग्जाम का वेट कर रहे हैं, क्या मैं उनको निराश कर सकता हूँ, क्या मैं हिम्मत तोड़ सकता हूँ, क्या मैं 1-2 बार पढ़ के ये बोल सकता हूँ क्वेश्चन मेरे बस के नहीं है। वापस आओ सीट पर, क्वेश्चनों में 2-4 लात और मारो, हिम्मत से अगर तुम उसके ऊपर डटे तो भाई आंसर तो निकलेगा, कहीं ना कहीं दिमाग में से वो जानकारी भी निकल आएगी जो उस क्वेश्चन के साथ रिलेटेड थी। सोचो, विचार करो, कंडीशनों को क्रिएट करो, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बड़ी हेल्प करते हैं डाटा का जब डायग्राम तैयार करते हो, और चाह चौधरी बन जाओ। चाह चौधरी का दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता था, बट जो भी कैलकुलेशन करनी है दिमाग में मत करना, आईडिया दिमाग में आते हैं लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए कागज का इस्तेमाल करना, और जब भी कैलकुलेशन कर लो तो उसे एक बार दोबारा शुरू से लेकर आगे तक देख जरूर लेना, ताकि अगर कहीं गलती से कोई गलती हो भी गई है तो वो तुम पकड़ लोगे, सही कर दोगे। अब ऑप्शनों को सबको फिल कर लो, और जब तुम्हारे सारे के सारे पेपर्स जैसे कि जर्नल एम्प्टी का है, केमिस्ट्री का है और जो बाकी 2 पेपर हैं सबको चेक करो कि तुमने सबके आंसर फिल कर दिए, सब हरे हो गए या नहीं, ग्रीन हो गए। सबमिट करने से पहले चाहो तो एग्जामिनर जो है उससे पूछ लो कि जी अब मैं क्या करूं, क्योंकि मन ही मन में कुछ कन्फ्यूजन पैदा करने से अच्छा ये कि पूछ लो। कोशिश ये करना है कि तुम्हारा एग्जाम 30 मिनट पहले ही कंप्लीट हो चुका हो। अगले 15 मिनट बैठ करके तुम केवल ये एनालाइज कर रहे हो कि कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, कहीं कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर दी, और फिर एग्जामिनर से बात करके कन्फर्म करके अपने आंसर को सबमिट करो। सबमिट करने से पहले डबल चेक करोगे कि क्वेश्चन सारे हो गए या नहीं, ये सब का सब पूरा पैनल मुझे ग्रीन हो जाना चाहिए। जो ग्रीन नहीं भी हुए हैं ना तो उनके एक बार डबल चेक कर लो, क्या पता अब दिमाग में आंसर आ जाए। सबमिट कर दिया, एग्जाम हो गया, पूरे सारे मिनट यूटिलाइज करने, कोई भी मिनट वेस्ट नहीं करना, जल्दी भागने की कोशिश मत करना। 1 साल वेट किया था इन 3 घंटों के लिए, और वो इसलिए नहीं कि 3 घंटे से 10 मिनट पहले अपना पेपर करके निपट गए तो जी चलो भाग लो यहाँ से, भागने तो देंगे भी नहीं तुम्हें वो। इसलिए पूरे टाइम का ढंग से यूटिलाइजेशन करो। एग्जाम देने के बाद शांत होकर बाहर निकलो, किसी से ज़्यादा बातें मत करो, ना ही किसी के सामने बड़ी बड़ी पींगे मारो कि हाँ जी हम तो फोड़ा है पेपर को, उड़ा दिया ना धज्जियाँ उसकी। शांत रहो, शांत होकर अपने घर आओ, घर आकर के अच्छा खाओ पियो, चाहो तो पार्टी कर लो, गाने साने सुन लो और भाई सो जाओ। बहुत दिन से मेहनत कर रहे हो, एक रात तो बनती है सोने की, तसल्ली से अब जो भी हो गया ना हो चुका, अब कुछ भी एक्साइट होने से या डिप्रेस होने से कुछ चेंज होने वाला। इसलिए अगर कुछ गलतियां की थी भूल जाओ उन्हें फिलहाल, कुछ बढ़िया किया था जोश है मताओ, रिजल्ट हाथ में नहीं आया अभी, सो जाओ। नेक्स्ट डे, अब नेक्स्ट डे क्या करोगे, क्या वही सेम मिस्टेक दोबारा करोगे जो अब तक करते आए हो? इस एग्जाम के लिए तुम लास्ट मोमेंट में जागे हो तो क्या अब दूसरे के लिए भी लास्ट में जाओगे? याद करो भाई जून आ रहा है अब, और जून का एग्जाम भी इतना ही इंपॉर्टेंट था जितना इंपॉर्टेंट गेट का था। अब वो गलतियां मत करना। इस एग्जाम में अभी अभी जो तैयारी की है उससे तुम्हारा माइंड एक्टिवेट हो चुका है,
इमीडिएटली अब दोबारा से खड़े हो जाओ, जून की तैयारी में लग जाओ। ये सोच लेना कि जो भी तुम्हारी लाइफ का उद्देश्य है वो है इन एग्जाम को क्लियर करना। अगर ये एग्जाम क्लियर किए तो पिछले 20-25 साल से जो तुम पढ़ रहे हो ना उसका फल मिल जाएगा तुम्हें मात्र 4-5 महीने के अंदर। इसलिए आरा छोड़ दो, अपने आप से बात करो कि अब जो गड़बड़े किए अब नहीं करेंगे, तभी तो हमारी लाइफ के पैटर्न चेंज होंगे। पर जैसे हमें अगर वैसे ही रहे तो जो भी रिजल्ट आ रहे थे वैसे ही आते रहेंगे। रिजल्ट चेंज करने हैं तो चेंज करना पड़ेगा मैं अपने आप को, अपने एटीट्यूड को, अपने काम करने के तरीके को। आई फ्लाई की लाइव या फिर ऑफलाइन क्लासेस पर हम लोग स्काइप या व्हाट्सएप के थ्रू बहुत सारी पढ़ाई करते हैं। ये क्लासेस बहुत अफोर्डेबल हैं, जो लोग लाइव कर सकते हैं उनके लिए लाइव है, जो लाइव के लिए अवेलेबल नहीं है तो भाई उनके लिए भी ऑफलाइन क्लासेस हैं। ऑफलाइन है तो इंटरनेट पे ही, लेकिन टाइम तुम्हारे अकॉर्डिंग होता है जब तुम चाहो। सप्ताह में कुछ दिन की क्लासेस होती हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9013902981। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बड़ी सी घंटी के साथ, और शेयर भी कर लो भाई इस वीडियो को जहां भी तुम्हारा मन करे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां भी तुम्हारा मन करे। और हमेशा याद रखो भाई कि आई फ्लाई कैसा तो घबराने की कौन सी बात। आखिरकार आई फ्लाई तुम्हारी लाइफ में कैटलिस्ट की तरह है जो तुम्हारे कामों को आसान कर देगी, नई राह दिखा देगी। और इस एग्जाम के लिए भाई ऑल द बेस्ट, बढ़िया करके आना, हिम्मत मत हारना। तुम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, इस बार इस एग्जाम में क्वालिफाई करोगे। रिजल्ट आने के बाद मुझे बताना कि एग्जाम कैसा है। ऑल द बेस्ट।